इकरा हसन ने बता दिया, वो जो दिखती हैं वही हैं वो जो कहती हैं वही वो करती हैं। इकरा हसन ने रिश्ते को निभाने के लिए अखिलेश को किया फोन। अखिलेश से उनकी लड़ाई में साथ देने की मांगी इजाजत। जहां चुनावी एक्टिविटी पर अखिलेश ने ही लगाई रोक। कौन है वो जिसके लिए कराना से सपा सांसद इकरा हसन को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्पेशल फोन करना पड़ा, अखिलेश से कहना पड़ा आपकी इजाजत चाहिए। लेकिन मैं मुखालफत में किसी के नहीं आई, मेरे भाई के साथ जैसा कि हम कभी नहीं भूल सकते, तो भाजपा को तो हटाना ही है, ये बात तो निश्चित है। कुछ चीजें पार्टी से भी बढ़कर होती हैं, कुछ रिश्ते पार्टी से बढ़कर होते हैं। अखिलेश को इकरा हसन ने ऐसी क्या दलील दी जिस वजह से अखिलेश को कांग्रेस से किए अपने वादे को तोड़ना पड़ा, इकरा हसन के लिए लीक से हटकर फैसला लेना पड़ा, इकरा हसन से अखिलेश को कहना पड़ा जाइए मैं आपको इजाजत देता हूँ, कोई तो है जो इकरा हसन के लिए बेहद ही खास है। तभी तो अखिलेश की ओर से किए गए ऐलान के बाद भी सब कुछ जानते हुए भी इकरा हसन को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने अपने दिल की बात रखनी पड़ी। अखिलेश को भी इकरा की बात को सुनकर हाँ करनी पड़ी। ऐसे सवाल आपके जहन में इस वक्त होंगे, आखिर इकरा हसन ने फोन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से क्या बात की। दरअसल कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने अचानक हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच प्रचार करने पहुंच गई। लेकिन नजर दौड़ाने वाली बात यह है, यहां इकरा ने न ही सपा के लिए प्रचार किया न ही कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। जाहिर सी बात है सपा के धारा के विपरीत चलने के लिए एक अनुशासित सपा के कार्यकर्ता होने के नाते इकरा हसन ने अखिलेश से चुनाव प्रचार करने के लिए जरूर इजाजत ली होगी। अब सवाल यह है आखिर इकरा बीच चुनाव में पार्टी के लिए नहीं तो किसके लिए प्रचार कर रही है। दरअसल इकरा हसन हरियाणा के समालखा विधानसभा सीट से प्रचार के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर मछरौली के लिए प्रचार किया। रविंदर मछरौली वो हैं जो 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए थे। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच रविंदर मछरौली समालखा सीट को जीतने में कामयाब हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रविंदर मछरौली से इकरा हसन का ऐसा क्या रिश्ता है। उनके प्रचार के लिए इकरा हसन को स्पेशली सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से इजाजत लेनी पड़ी। सुनिए इकरा हसन समालखा के लोगों के बीच क्या कहती हैं। क्योंकि हमारे साथ तो उन्होंने मेरे भाई के साथ जैसा कि हम कभी नहीं भूल सकते, तो भाजपा को तो हटाना ही है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए भी आदमी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। तो जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे, हमारे मुश्किल के वक्त में जिस तरीके से आप सबने हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे एक भाई, मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें जरूरत है तो सारी चीजें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई हूँ। मैं किसी की मुखालफत करने नहीं आई, सब अपनी जगह पर है, सब अपने कर्म करते हैं। लेकिन जिसने मेरी मुश्किल में साथ दिया था, आज मेरा फर्ज है कि जब उनका वक्त है तो मैं उनके लिए आपके बीच में आऊं। तो इसीलिए मैं आपसे अपने रिश्ते का नाता देके आपको ये बता के कि आप मेरे नजदीक हैं। मैं सिर्फ आपको कह सकती हूँ और किसी को नहीं कह सकती। तो मैं आपसे कहने आई हूँ कि एक ऐसा वक्त था हमारे परिवार पे पड़ा था, तब उन्होंने मेरा साथ दिया, अपने गांवों में हमारे लिए प्रचार किया, तो आज उन्हें हमारी जरूरत है। तो जैसी सीख मेरे बड़ों ने दी है कि जब कोई जरूरत के वक्त आपका साथ दे तो उसकी जरूरत में भी कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी बातें चेयरमैन साहब ने सारी आपको बताई, लेकिन मैं मुखालफत में किसी के नहीं आई, मैं अपने एक भाई के समर्थन में आपके बीच आई हूँ। और भले ही लेकिन कुछ चीजें पार्टी से भी बढ़कर होती हैं, कुछ रिश्ते पार्टी से बढ़कर होते हैं, और इसीलिए आपसे मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी उनका साथ दें। और एक अच्छे व्यक्ति को जो अपने लोगों का साथ कभी ना छोड़े, चाहे अच्छा समय हो बुरा समय हो, अगर ऐसे व्यक्ति को आप जिताएंगे तो आप लोगों के काम भी होंगे, आपकी भागीदारी भी होगी, आपकी हिस्सेदारी भी होगी। चेयरमैन साहब बता रहे थे कि उन्हें भी उन्होंने चेयरमैन बनाने का काम किया था। तो जो आप लोगों का ध्यान रखे, नेता ऐसा चुने जो आप लोगों का ध्यान रखे, आपके सुख दुख में आपका साथ दे। मैं आपको अपनी पीड़ा बताने आई थी कि मेरे सुख दुख में क्या रहा,
उन्होंने कितना मेरा साथ दिया और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि जितना प्यार आपने हमेशा मेरे परिवार को दिया, मेरे वालिद को दिया, उतने ही प्यार से आप मेरी इस बात को मान के आने वाले आपके चुनाव में आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। रविंद्र मशरौली इकरा हसन के पिता चौधरी मनोवर हसन के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं। पारिवारिक रिश्तों के कारण इकरा हसन रविंद्र मशरौली का प्रचार करने के लिए पहुंची, लोगों से उनकी जीत की अपील की। इस दौरान इकरा ने ये भी कहा कि वो किसी भी पार्टी के चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आई, उन्होंने मेरा मुश्किल समय में साथ दिया था इसलिए मैं उनका साथ देने आई हूँ। आपको बता दें कि हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। यह मुख्य मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिख रहा है। वहीं समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने धर्मवीर सिंह को मैदान में उतारा है जो यहां से विधायक रह चुके हैं, जबकि बीजेपी ने इस सीट से मनमोहन भड़ाना को मैदान में उतारा है और इन दोनों से आगे जीत के रास्ते पर रविंद्र बिश्रोनी को ले जाने के लिए अब इकरा हसन ने मोर्चा संभाल लिया है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सियासत के पिच पर शानदार है।